की बहादुर बेटी दो दिन तक लड़ने के बाद आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। शुक्रवार रात 11:40 पर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। 90% तक झुलस चुकी यूपी की यह निर्भया गुरुवार देर शाम लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाए जाने के बाद रात 9 बजे तक होश में थी। सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराई गई पीड़िता जब तक होश में रही पूछती रही, मैं बच तो जाऊंगी, मैं जिंदा रहना चाहती हूं। उसने यह भी कहा कि मेरे दोषियों को छोड़ना नहीं। इसके बाद से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उसे होश में रखने की पूरी कोशिश की। उसे फौरन वेंटिलेटर पर रखा गया लेकिन वो बच ना सकी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रेप पीड़िता 44 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद जिंदगी की जंग हार गई। जमानत पर बाहर आए आरोपियों द्वारा जिंदा जलाए गए रेप पीड़िता ने शुक्रवार रात दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हालत लगातार बिगड़ने के बाद गुरुवार देर शाम पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के बाद लखनऊ के रास्ते से उन्नाव लाया जाएगा। पीड़िता सफदरगंज अस्पताल में जिंदगी के लिए करीब 44 घंटे तक जूझी लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी हालत देख डॉक्टरों की भी आंखें नम हो गई। बर्न यूनिट के प्रमुख डॉक्टर शलभ और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि पीड़िता को वेंटिलेटर पर रखा गया था क्योंकि 90% तक जलने से उसके शरीर से काफी तरल पदार्थ बह चुका था और बचना मुश्किल था। डॉक्टरों ने बताया कि हमने पूरी कोशिश की, थोड़ी बहुत बात करते करते वह बेहोश हो रही थी। उसके महत्वपूर्ण अंग शाम तक काम कर रहे थे लेकिन हालत लगातार गिर रही थी। पीड़िता को गुरुवार देर रात लखनऊ के सिविल अस्पताल में एयरलिफ्ट करके सफदरगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टरों के अनुसार इस तरह की घटनाओं में शुरुआत के 3 दिन यानी 72 घंटे काफी मायने रखते हैं। अगर यह समय निकल जाए तो काफी हद तक उसे बचाया जा सकता है लेकिन उन्नाव की इस बेटी ने 44 घंटे में ही दम तोड़ दिया। 24 घंटे में उसकी हालत ऐसी थी कि वह पूरी तरह से होश में नहीं थी, सांस नहीं ले पा रही थी। उसका भाई उसके साथ गुरुवार को ही सफदरगंज अस्पताल पहुंच गया था। माँ और बहन शुक्रवार को अस्पताल पहुंची। रात करीब 11:40 पर उन्हें दुखद खबर मिली। इसी बीच बेटी की मौत की खबर से रेप पीड़िता के पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के गुनाहगारों को हैदराबाद गैंगरेप के आरोपियों जैसा एनकाउंटर कर दिया जाना चाहिए। रेप पीड़िता के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उन्हें भी दौड़ा दौड़ा कर मारा जाए, हैदराबाद में जो कांड हुआ वही सजा मिले, या फिर दौड़ा कर गोली मारी जाए या फिर फांसी दी जाए। इस बीच रेप पीड़िता की बहन ने कहा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पुलिस ने समय पर रिपोर्ट भी नहीं लिखी, हमसे यहाँ पर कोई मिलने नहीं आया है। रेप पीड़िता के भाई ने मांग की है कि आरोपियों को मौत से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। पीड़िता के भाई ने कहा कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा है, मेरी बहन अब हमारे बीच नहीं है, मेरी इकलौती मांग यह है कि सभी 5 आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा हो। वही अंतिम संस्कार को लेकर उन्होंने कहा कि अब उसमें जलाने लायक कुछ भी नहीं है, हम शव को अपने गांव ले जाएंगे और वहीं दफनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधी एनकाउंटर में मारे जाते हैं या फांसी पर लटकाए जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए, यही हम चाहते हैं। अस्पताल में बेटी की मौत के बाद उन्नाव रेप विक्टिम के पिता ने कहा कि आरोपी लगातार हमारे परिवार को धमका रहे थे, वे गालियां दे रहे थे, कहते थे मार डालेंगे, जला डालेंगे, पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। बता दें कि करीब 40 घंटे तक इलाज के बाद रेप पीड़िता ने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि उन्नाव के बिहार थाना इलाके में रेप पीड़िता को गुरुवार तड़के 5 लोगों ने जिंदा जला दिया था। घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने थाने में शिकायत कर बताया था कि शिवम त्रिवेदी नाम के शख्स ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और फिर रायबरेली ले जाकर रेप किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि त्रिवेदी ने मोबाइल में उसका वीडियो भी बना लिया था।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार रेप करता रहा। युवती ने कहा कि शिवम ने कई शहरों में ले जाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता ने शादी के दबाव बनाया लेकिन शिवम नहीं माना। युवती को जलाने के बाद एक अन्य आरोपी ने भी उससे रेप किया था, जो कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। करीब 44 घंटे तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद रात 11:40 पर सफदरगंज अस्पताल में पीड़िता की सांसें थम गई। पीड़िता केवल आग लगने से झुलसी ही नहीं थी, आरोपियों ने आग लगाने से पहले उस पर डंडे से वार किया था और गले में चाकू भी मारा था। गुरुवार को जब उन्नाव के रेप पीड़िता को लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा था, उस समय तो वह कुछ होश में थी। अपने साथ चल रहे भाई से वह बार बार एक ही बात पूछ रही थी, मैं बच तो जाऊंगी ना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। लेकिन 90% झुलस चुकी पीड़िता मौत से नहीं जीत पाई। पीड़िता केवल आग लगने से झुलसी ही नहीं थी, आरोपियों ने आग लगाने से पहले उस पर डंडे से वार किया था और उसके गले में चाकू भी मारा था। इसके बाद जब वह चक्कर खाकर गिरी, उस समय उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई थी। यह उसकी हिम्मत थी कि आग में घिरी होने के बाद भी उसने आसपास के लोगों से मदद मांगी। एक चश्मदीद के मुताबिक पीड़िता करीब 1 किलोमीटर दूर तक चल कर गई और पुलिस से खुद ही मदद की गुहार लगाई। यह वारदात उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र स्थित सिंधुपुर गांव में हुई थी। घटना के चश्मदीद और पीड़िता के पड़ोसी ने बताया कि वह आग में पूरी तरह से लिपटी हुई बाहर निकली तो हम घबरा गए, हम पहचान नहीं पाए, तो उसने अपना नाम बताया। हमने पुलिस को कॉल की तो पीड़िता ने खुद पुलिस से बात की और मदद के लिए बुलाया। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई और वह उसे गाड़ी में बिठाकर ले गई। वहीं मौत की सूचना मिलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। सीएम योगी ने कहा कि घटना अत्यंत बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बच्चे की मौत पर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए सीएम योगी ने कहा कि हम इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। समुचित प्रबंध राज्य सरकार की ओर से किए गए, हमने लखनऊ में इलाज कराने की जगह दिल्ली पीड़िता को भेजने का काम किया, लेकिन हम बचा नहीं पाए और रात को ही समाचार मिला कि वह बेटी हम सबको छोड़ करके चली गई है। जो घटना के अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। जितनी जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस उपयोग करके या अन्य भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह सारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे और इन अपराधियों को जो दंड दिलाना है कानून सम्मत वह दंड दिलाने का काम होगा। और प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वह जरूरी कदम उठाए गए हैं और भी समीक्षा करके और भी जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। बस उसका आखिरी पॉइंट यही था और वही हमें चाहिए, और कुछ हमें बस यही चाहिए। मेरी बहन ने ये बोला है कि भैया ये 5 नाम इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमने कहा नहीं रहेंगे, बस यही हुआ है और कुछ नहीं है। जैसे हैदराबाद में कांड हुआ है और इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी गई है, या तो इन लोगों को फांसी दी जाए या तो इन लोगों को दौड़ा करके गोली मारी जाए। इसके अलावा हमको ना कोई धन का लालच है ना कोई चीज का लालच है कि हमारा बिल्डिंग बन जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। जैसा हमारी लड़की के साथ घटना की गई है वैसी घटना सामने हमको देखने को मिली। जिस दिन घटना को अंजाम दिया गया बेटी अकेले जा रही थी या उसके साथ में भी कोई था? नहीं, लड़की अकेले जा रही थी, इलाहाबाद ट्रेन पकड़ने के लिए उसको रायबरेली जाना था। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।